हेलो एवरीवन सो वी आर डिस्कसिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ द चैप्टर मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड द टॉपिक ट्रांसक्रिप्शन इन टुडे सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस अ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन फॉर थ्री मार्क्स व्हिच वाज आस्क्ड इन द सीबीएसई बोर्ड डेली एग्जामिनेशन 2019 सो द क्वेश्चन इज कंस्ट्रक्ट एंड लेबल अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट फ्रॉम व्हिच द आरएनए सेगमेंट गिवन बिलो हैज बीन ट्रांसक्राइब राइट द कंप्लीट नेम ऑफ द एंजाइम दैट ट्रांसक्राइब दिस आरएनए तो बेटा इस क्वेश्चन में हमें एक आरएनए का मॉलिक्यूल दिया हुआ है और हमें एक पूरा ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बनाना है जिससे ये आर एन ट्रांसक्राइब हुआ होगा और उस एंजाइम का नाम लिखना है जो इसको करने में हेल्प करेगा क्लियर सो लेट्स चेक द आंसर तो बेटा ये तो हो जाएगा हमारा ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का डायग्राम इसमें ए के अगेंस्ट आ जाएगा टी टी के अगेंस्ट आ जाएगा ए जी के अगेंस्ट आ जाएगा सी सी के अगेंस्ट आ जाएगा जी ए के अगेंस्ट आ जाएगा टी टी के अगेंस्ट आ जाएगा ए जी के अगेंस्ट आ जाएगा सी सी के अगेंस्ट आ जाएगा जी ए के अगेंस्ट आ जाएगा टी टी के अगेंस्ट आ जाएगा ए जी के अगेंस्ट आ जाएगा सी और सी के अगेंस्ट आ जाएगा जी इसमें जो हमें आर एन ए मॉलिक्यूल दिया था उसमें यहाँ पे फाइव प्राइम एंड लेबल किया था तो इधर हो जाएगा फाइव प्राइम एंड तो इधर हो जाएगा थ्री प्राइम एंड इसमें फाइव प्राइम की अपोजिट हो जाएगा थ्री प्राइम एंड और थ्री प्राइम एंड की अपोजिट हो जाएगा फाइव प्राइम एंड जो थ्री प्राइम टू फाइव प्राइम वाली पोलैरिटी वाला स्ट्रैंड होगा वो होगा टेम्पलेट स्ट्रैंड और फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम पोलैरिटी वाला हो जाएगा कोडिंग स्ट्रैंड अब जो थ्री प्राइम एंड होता है वहां पर प्रेजेंट होगा टेम्पलेट स्ट्रैंड के प्रमोटर और उसके फाइव प्राइम एंड पर प्रेजेंट होगा टर्मिनेटर बीच में होते हैं स्ट्रक्चरल सिंगल क्लियर और वो एंजाइम जो ट्रांसक्रिप्शन करती है उसका नाम होता है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज आरएनए पॉलीमरेज इसलिए क्योंकि वो आरएनए की मॉलिक्यूल्स को पॉलीमराइज कर रही है और डीएनए डिपेंडेंट इसीलिए क्योंकि ये डीएनए के स्ट्रैंड पर डिपेंड करेगा कि, कि किस फैशन में पॉलीमराइज करेगी क्लियर सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू थैंक यू